देश में एक तरफ कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही नाली सड़क को बनाने के लिए लाख दावे कर रही हो, लेकिन जनपद अयोध्या में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां स्थिति इतनी खराब है, रास्ते में बारिश होने पर सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर काफी दिनों से पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब नाला भरिया बाटे, यार सफाई भी नहीं हुआ बाटे, सफाई हुआ था मगर पानी जाए तो कहाँ जाए, वहाँ नाला बंद बाटे। अरे बहुत दिन से बाटे, आज कोई नई बात नहीं, अरे के पानी निकास को निवार है नहीं, इसलिए पानी सब घूम घूम यहाँ भर जाते हैं, भर नाला बंद है। अब एक दिन खूब कस के बरसा रहा तो वही था बगल से खुदाई दिन रहा, पानी निकल गया रहा है। अरे अगले करीब 5-6 साल पहले तक खूब भरा रहा, तो वहाँ से निकल गया रहा पानी, अब पानी को निकास नहीं, वहाँ जा रहा पर छोट वाला से पीछे कहीं वहाँ से। राम प्रगट ने बताया कि यह समस्या उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब बारिश होती है, बारिश के कारण सड़कों पर बरसात का पानी भर जाता है, जिसके कारण राहगीरों से लेकर स्थानीय लोगों को परेशानी है। नहीं जाते, गढ़ा भर जाता, पूरा ही सब भर जाता है, यही समस्या है। जनोरा एकदम आएगा तब वही हाल है, वहाँ को पानी भर जाते हैं, तो यहाँ पानी बरसात तो यहाँ सब पानी भर जाता है, आज निकले बैठे परेशानी होते, यही सब परेशानी है। तो बहुत साल से समस्या चल रही है, कोई सुनवाई नहीं होती। लकी खान समाज सेवी ने बताया कि इस समस्या को लेकर जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। वार्ड जनोरा है, समस्या यही है भैया, आम दिनों में तो कुछ ठीक रहता है, बरसात में यहाँ पे चलने लायक नहीं रह जाता है, बारिश में आप घर से नहीं निकल सकते हैं यहाँ पे, और घर से अगर आप निकलेंगे किसी काम से तो आप बाहर निकलने के लिए 10 मरतबा सोचेंगे कि कैसे निकलें और क्यों निकलें। अगर आपको कुछ लाना है यहाँ पे तो आप ला नहीं सकते हैं, और अधिकारी के पास अगर आप समस्या लेके गए हैं तो आश्वासन मिलेगा आपको, कार्रवाई नहीं।